जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि मैं करना क्या चाह रही हूं। इनफैक्ट आपको बताना चाह रही हूं कि जो आपके पास एक कोई भी वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट बनता है उसको बीएमपी के अंदर आप कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो वो इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आप बनाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सिंपल वर्ड की फाइल जो है वो ओपन की है। मेन जो है वो मेरे सामने है कि मैं आपको दिखा दूं कि है कैसे हमने ये जनरेट की है, ये जस्ट लाइक, ठीक है? ये आपके पास एक है कि कोई भी आपका जो भी है काम है, यहाँ पे आप देखें कि ये चीजें हैं, ये अलहदा अलहदा मतलब हो सकती हैं, ठीक है? ये मैंने खुद से यानी इसको किया है कि ये आप इसको मूव कर सकते हैं अलहदा अलहदा से, इस तरह से, या जैसे इसको है ये बॉक्स जो है ये आपने इस तरह से, आप इसे तो इसको आप कैसे एक पेंट की फॉर्म में, पेंट बीएमपी फॉर्म के अंदर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कि ये सारी चीजें जो है वो आपस में जो है कि बिल्कुल अटैच हो जाएं, जस्ट लाइक इस तरह से, कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में करनी है तो वो आप उसे अगर आप हिलाना चाहें, ठीक है, तो आप उसे किसी भी चीज को हिला ना सके, मतलब मींस ये आपस में अटैच हो जाएं। ये किस तरीके से शो होगा ये मैं अभी आपको इसके बारे में, ये तो खैर चले, बीएमपी की एक फाइल है डॉट बीएमपी के नाम से, ठीक है? ये मैं अभी आपको सारा इसका तरीकाकार बताती हूँ, जस्ट लाइक मैं इसको आपको जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में दिखा देती हूँ कि कैसे आप इससे कह रही हूँ, मेरा मकसद क्या है कहने का। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक अपना रिसर्च पेपर अगर लिख रही हूँ तो उसके अंदर आप देखें, जस्ट लाइक ये आप देखें, ये है जैसे कि आप देखें ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है ना ये ऊपर नीचे होगी, ठीक है? यानी कि आप इसे अगर फॉर एग्जांपल जूम करें ना करें, ठीक है, या इस तरह से इस तरह, ये आपस में हिलेगी नहीं, ठीक है ना? जस्ट लाइक ये इसको आप अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अकेली अलहदा हो जाएगी, ठीक है? मीन्स ये देखें आपके अकेली अलहदा हो रही है इस तरह से, मतलब वो बॉक्स जो है वो वहीं का वहीं पे है, ठीक है ना? ये जस्ट लाइक आप बॉक्स को देखें तो बॉक्स अलहदा से अकेला मूव हो रहा है। ये आपस में जो है इसको किस तरह से हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में मैं आज आपको डिस्कशन करूंगी कि आप इसको कैसे जो है पेंट की फॉर्म में लेकर जाते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू बना के आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। आपने सबसे पहले इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम चूंकि रन हो चुका है उसका रिजल्ट है ये, तो आपने पिक्चर्स की तरफ आए, पिक्चर्स के ऑप्शन को क्लिक किया, वहां पे आपने उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो आपके पास रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो यहाँ पे ये रिजल्ट रखा हुआ है वहां पे मैं इसमें पहुंच रही हूँ, तो ये यानी कि प्रोग्राम जो भी मैंने मतलब इसका रन किया है, अब मैं ये 0.2, इसमें ये मेरे पास बीएमपी वाली फाइल ही मतलब मैंने इसकी ओपन की है, ठीक है, उसी को मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है? इंसर्ट करने के बाद ये मेरे पास आ गई है, इस तरह से फाइल आई है काफी बड़े साइज में, लेकिन साइड पे क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है? ये जो है ये प्रोग्राम जो है वो मैटलैब या आई थिंक सो पैराटेक, इस तरह से नाम है कुछ, उसके अंदर टेक प्लॉट, यस टेक प्लॉट के अंदर ये रन हुआ हुआ है वर्टिसिटी का ग्राफ। अच्छा जी, यहाँ पे आपने मैंने इसको यूं किया और फिर आगे मैं जो है इसको क्रॉप कर रही हूँ, ठीक है? क्रॉप करते वक्त मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये बिल्कुल इसके कॉर्नर्स तक जो है ना वो इसको, असल में मैं इसको कर इसलिए रही हूँ, मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब मैंने इसे पेंट के अंदर कन्वर्ट किया ना तो वहाँ पे जो है वो बी की वैल्यू जो है ना थोड़ी सी डिम है, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिएगा ये इस तरह से आ गई है आपके पास, ठीक है? अब चूंकि इसको मैंने जरा पीछे वाले से जरा सा फासला देना है तो मैंने उसमें एंटर किया, बटन प्रेस किए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये फाइल आपने इस तरह से इंसर्ट कर दी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो जनरेट करना है, ठीक है, इंसर्ट के अंदर ही चले जाएं, ठीक है? यहाँ पे शेप्स को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो शेप के अंदर आप, मैंने इसमें रेक्टेंगल को चूज किया, ठीक है, यहाँ से मैंने उसके अंदर इस तरह से आपको बताया कि ये चेन, ठीक है,
अब ये इसका अंदर का जो है साइज, ये मैं चाहती हूँ कि वाइट रहे, लेकिन इसकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी वाइट ही होनी चाहिए, ये सॉरी ब्लैक होनी चाहिए, ये मैंने ब्लैक, क्योंकि अगर व्हाइट रख दिए तो वो तो फिर बाउंड्री लाइंस शो नहीं ना होंगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड टेक्स्ट बॉक्स करती हूँ कि कुछ लिखना चाह रही हूँ, तो कैसे इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं चेन नेकलेस, ठीक है। और मतलब आप उसे आगे अपनी ऑन जो स्टाइल है आपका, आप उसे लेना चाह रहे हैं कि आपने 22 का लेना है, कितने का लेना है, तो वो आपने उस तरह से उसको जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 22 बड़ा हो गया, मेरा ख्याल है 12 तक चलते हैं, 12 या 14 तक चले जाते हैं, ठीक है, जितना भी आप उसको करना चाह रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ कि ये बोल्ड में हो जाए, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। 18 पे जाके देखते हैं, ठीक है, तकरीबन ये इस तरह से आपने लिख लिया। ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, मैंने असल में वो पिछले वाले टेक्स्ट को ही अच्छा, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि इंसर्ट मैंने किया, तो मैं यहाँ पे अब दोबारा से जाती हूँ ऑनलाइन पिक्चर्स में। अब मैं यहाँ पे एक लाइन जो है उसको सिलेक्ट करती हूँ, दोबारा से ऑनलाइन शेप्स में मैं जा रही हूँ, शेप्स में जाके मैंने लाइन सिलेक्ट की है, ठीक है। लाइन में मैं इस वर्टेक्स को कि ये कैसी शेप ऑफ द वर्टिसिटी या फ्लो के अंदर जनरेट हो रही, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। अब ये लाइन जो है मैं ब्लैक कलर में चाह रही हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह। और फिर आगे आप उसको जो है उसको कितना थिक करना है, तो वो आप यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। नो, ये मूवमेंट के लिए, सॉरी, ये चीज़ जो है ये थिकनेस के लिए, यहाँ पे जो राइट पे आपके पास ऑप्शन है साइज में, ये चीज़ जो है ये आपने कितनी रखनी है, ठीक है, तो ये आपके पास थिकनेस को जनरेट मेरा ख्याल करेगी, जस्ट लाइक आप साथ साथ मैं आपको ऊपर के भी मैचिंग करके दिखाती जाती हूँ कि ये है 0.87 है ना, ठीक है, और 0.96 है, तो यहाँ पे भी मैंने 0.87, इसको क्लिक करके आप लिख सकते हैं कि 87। और दूसरा जो था, अच्छा ये आपके ऊपर है कि आप इसकी थिकनेस जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने ये जनरेट कर देनी है, ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास जो है ये ऑलरेडी बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो ये मैं इसको जो है वो आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने इस तरह से इसको जो है वो कर दिया है। अच्छा, अब मैं इस चीज को तो खैर डिलीट करती हूँ, तो मैंने आपके सामने वैसे ही बनाने के लिए बताई थी, ठीक है, तो ये वाली चीजें मैंने कि ये चीज आपकी कैसे, अब ये सारी चीजें जो है ना अलहदा अलहदा हो जाती हैं, ठीक है, ये जस्ट लाइक देखे ना कि अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको है इसको मैं मूव करके इधर भी कर सकती हूँ, या इस तरह, मतलब अगर मैं ये चाहती हूँ कि इस डायग्राम को मैं नीचे करना चाह रही हूँ, तो वो उस तरह से नहीं, ये चेन नेकलेस का बॉक्स देखे इसे कैसे ऊपर आ गया है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं, सारी चीजें अलहदा अलहदा है, ठीक है, लाइन अलहदा से मूव हो रही है, नीचे डायग्राम अलहदा से मूव हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम को कर रही हूँ या यहाँ से, मतलब आप नोट करें, सारी चीजें अलहदा अलहदा, इनको एक कंबाइन फॉर्म में कैसे आप बीएमपी की फाइल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में आपको अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो अच्छा जी, यहाँ से ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है, ये फाइल आपके पास जनरेट हो गई। आपने इसका नाम जो भी आप वर्टेक्स रख रहे हैं, जैसे कि मैं इसका नाम जो है वो अपने चेन नेकलेस वर्टेक्स के नाम से इसको मैं जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ चेन्स टाइप शो हो रही हैं, वर्टिसेस जो है उसके अंदर। अच्छा, अब मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है आपका शिपिंग टूल है, ठीक है, वो मैंने राइट पे रखा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ से लिख के भी निकाल सकते हैं उसको। तो शिपिंग टूल को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, और ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस करना है, इसको सेलेक्ट करना है कि ये मेरे पास सारे का सारा इस तरह से फॉर्म में आ जाए, ठीक है। बल्कि मैं इसको दोबारा से करती हूँ, क्योंकि मुझे, चलें ठीक है, इस तरह से हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ इस तरह से मेरे पास आ गई है, ठीक है, सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी करना है,
ये चीज़ मैंने, ये वाला ऑप्शन है आपके पास, ये कॉपी का ऑप्शन है ठीक है, जिसमें मेरा एरो है, इसको मैंने कॉपी किया और फिर मैंने ये पेंट की फाइल ओपन की ठीक है। यहाँ से देखिए पेंट है, पेंट पे जाके मैंने ये पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाती है ठीक है। अब ये देखिए मैं जैसे जैसे मूव कर रही हूँ ना, इसकी सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई हैं ठीक है। पेंट की फाइल में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, वर्ड फाइल को आपने, पिक्चर को, वर्ड पिक्चर को आपने पेंट के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है। अच्छा अब इसके अंदर भी आप क्रॉप कर सकते हैं ठीक है, जहाँ से मर्जी सेलेक्ट। लेकिन अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बिल्कुल लाइन मेरे साथ साथ है, ये वाली हद लाइन थोड़ी सी अगर मैं करना चाहूँ तो थोड़ी सी इस तरह साथ कर दी, बस इस तरह। अच्छा अब मैंने इसको जो है वो फाइल को सेव एज किया, सेव एज के ऊपर यहाँ पे चार पांच क्लिक ऑप्शंस आ गए, पांच, उनमें बीएमपी के ऊपर आपने जाना है। बीएमपी पे जाके आप इसे पास देंगे सेव का, ये मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर रखा हुआ है, वहां पे मैंने लिखा चेन नेकलेस वर्टेक्स। अब ये 0.2 है, एल इज इक्वल टू, मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये नाम रखा हुआ है ठीक है। चेन इज इक्वल टू 0.2, चेन नेकलेस के साथ मैं यहाँ पे डॉट का शो कर देती हूँ या वर्टेक्स के साथ डॉट लगा देती हूँ, चलें इस तरह से, ताकि थोड़ा सा जो है डॉट बीएमपी कर देते हैं ठीक है। यह मैंने सेव कर दी ठीक है। अब मैंने इसे क्रॉस किया, इसको भी मैंने क्रॉस किया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है सेव की ठीक है। और यहाँ से मैं इस तरह से जाती हूँ कि इसको चेक करने के लिए, जी ये तो खैर मेरे पास वो वाला डॉक्यूमेंट है जी। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने चेन नेकलेस वर्टेक्स पहले लिखी हुई है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या था चेन नेकलेस वर्टेक्स में कि वो जब मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके देखा है, तो अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं एल इज इक्वल टू 0.2, चले मैं नीचे करके ज़रा सा देखती हूँ कि वो कैसे आ रहे हैं यहाँ से जी। यहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं उस वर्टेक्स को ठीक है। तो मैंने एंटर में गई हूँ और मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, इंसर्ट करके तो मैंने उसी तरीके से पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया, नो ऑनलाइन पिक्चर्स गलती से क्लिक हो गया है, सिंपल पिक्चर्स को आपने क्लिक करना है। पिक्चर्स को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से जो है जिस जगह पे हमारा काम रखा हुआ था उस तरफ पहुँचते हैं, जी चेन नेकलेस डॉट लिखा हुआ था, नेकलेस डॉट, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया है जी। असल में मैंने इसको दोबारा से इसलिए जनरेट किया क्योंकि अभी जो मेरे पास ऑप्शन बी था उसमें अंदर ना, अभी जो मैंने बनाई थी उसमें बी पूरा विजन क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा अब यहाँ से आपने क्रॉप का ऑप्शन को क्लिक करना है ठीक है। क्रॉप को जैसे ही आप करते हैं क्लिक, तो आप इसके अंदर जो है वो चेंजिंग इस तरह से कर लेते हैं ठीक है। ये मैंने इसके अंदर यहाँ पे देखे, मैं चाहती ये हूँ कि मुझे बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, इसके कॉर्नर पॉइंट्स तक बस मिले, ताकि मेरा पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन ऐसे एम्प्टी साइज में यूज ना हो जाए। यहाँ से देखे मैंने इसको इस तरह से किया, यहाँ से ये देखिएगा ये चीज़ की है ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है ठीक है। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया ठीक। अच्छा अब मेरे पास इनफैक्ट मैंने यहाँ पे पहले भी चेन नेकलेस वर्टेक्स बनाया हुआ, लेकिन वो एल इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर था, तो वो मुझे फिर पता चला कि नहीं जी चेन नेकलेस वर्टेक्स तो 0.2 से स्टार्ट हुआ हुआ है ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से जो है वो इसका साइज जो है वो इंक्रीज करती हूँ, ताकि ये मुझे इसी फॉर्म के अंदर नजर आ जाए ठीक है। ठीक है ये, ताकि मेरा स्क्वेयर सी लुक नजर आए इस बॉक्स की, ऑब्स्टिकल की ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से, ये आज की जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको जो है यही एक्सप्लेन करने का तरीका बताया है। ये देखें असल में मेरे पास, मैं आपको गेन बता रही हूँ कि 0.3 के ऊपर जो लेंथ है उस पे, उसकी बजाय ये 0.2 पे स्टार्ट हो रही थी और मैंने 0.3 के ऊपर गलती से कर दिया, इसलिए मुझे इस पॉइंट को चेंज करने की वजह से जो है, सिर्फ पॉइंट ही चेंज नहीं था, बिहेवियर भी डिफरेंट हो रहा है 0.3 के ऊपर, और तरह का बिहेवियर है यहाँ पे। देखिए थ्री टाइप्स की चेंज प्रोमिनेंट हो रही है यहाँ पे, वन टाइप चेंज
और ये थोड़ा सा बॉक्स के साथ ही अटैच है, और जबकि ये थोड़ा सा डिटैच हो रही है। तो अच्छा जी, यही था आज का टॉपिक था। इसको आपने ऐसे ही फाइल को सेव किया और फिर बाद में आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। तो इसका बेसिक काम ये है बीएमपी पेंट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का, कि आपकी जो फाइल है वो इकट्ठी की इकट्ठी मूव होगी, बजाय इसके कि आप इसे जो है वो सेपरेट करना चाहें। ओके जी, नेक्स्ट भी इसी किस्म की और जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और जो है कि आप लोग भी साथ साथ जो है इसके बारे में बताते जाएं कि आपको, अगर मेरे नॉलेज में हुआ, अगर आपका कमेंट हुआ इससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ, अदरवाइज आप बता सकते हैं कि और आपको क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए या इस तरह से, तो वो उसके बारे में भी देख लेंगे। ओके जी, ये अब हमारा जो टॉपिक है इसको अब हम करते हैं वाइंडर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।